तो फिर गाइस सर हम लोग एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। भाई आज के वीडियो हम लोग करने वाले भाई इस बिग बैंग पेगासस को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बेब्लेड में कन्वर्ट। वैसे तो भाई ये इतना भी कोई बुरा बेब्लेड है नहीं अपने खुद में, बट भाई इतना भी कुछ ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसका जो फाइनल ये है ना, फाइनल क्या नाम है, ड्राइव, हाँ फाइनल ड्राइव, तो फिर ये इतना पावरफुल नहीं लगता है क्योंकि भाई पहले स्टैमिना फिर अटैक और अटैक पोटेंशियल इतना रह नहीं पाता। तो आज अपन इसे भाई बहुत तगड़ा अटैक टाइप बेब्लेड कॉम्बो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए भाई तुम लोग सिंपली सिंपली इसके छोटे भाई ये क्या नाम है इसका गैलेक्सी पेगासस का तुम्हें R2F टिप चाहिए बस, और कोई भी ट्रैक ले सकते हो छोटा सा 125 ही होता शायद वो छोटा वाला, वो लूँगा। विंग मैं यूज़ नहीं कर रहा, कर सकते हो बट मैं नहीं कर रहा हूँ। और बस भाई इन दोनों को कंबाइन कर देने के बाद तुम्हारा बेब्लेड कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो फिर वो ऐसा दिखना चाहिए भाई, देख लो ये बिग बैंग पेगासस अपना। और भाई इसको तुम इस वाले मोड पे रखना, जैसे सेम सेटिंग कर रखी है ना उसी मोड में रखना, बहुत तगड़ा अटैक टाइप। और टिप देख लो R2F ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी शॉर्ट हाइटेड बेब्लेड होगा, स्टैमिना भी अच्छा होगा। तो चलो भाई जल्दी से कुछ इसके अटैक तुम्हें अटैक पोटेंशियल दिखाता हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई स्टेडियम में अपन ले आए हैं, और भाई मैं इसे बिल्कुल पैक कर रहा हूँ ताकि भाई तुम लोग को वो हमले दिखा सकूँ जो कि मतलब बिग बैंग पेगासस करने वाला है। तो फिर पहला कोई भी रैंडम बेब्लेड ले लेते हैं, स्टॉर्म एक्वेरियो ले लेते हैं, प्री हाइब्रिड एक्वेरियो सॉरी। तो फिर पहले प्री हाइब्रिड को चलाएंगे, देख रहे हो भाई इसका अटैक मतलब। अब अगर मैं इसका केज ही हटा दूंगा ना तो भाई कोई बेब्लेड टिक भी नहीं पाएगा इसके सामने, मतलब कोई भी नहीं, सिवाय दो तीन बेस को छोड़ के, सिवाय वो भी अगर डिफेंस टाइप मॉडिफाई कर दो। और स्टैमिना भी इसका काफ़ी अच्छा है, मेरे को स्टैमिना का भी कोई रिस्क नहीं है क्योंकि भाई R2F है और बिग बैंग पे किसी इसके वेट के कारण ही जीत रहा है। चलो एक काम करता अब इसको इस मोड में करते स्टेडियम को, ठीक है, जिसमें इसका मतलब ये खुला रहता है। अब जो तुम्हें पता उसका नाम क्या है मेरे को तो नहीं मालूम, बट चलो अब अर्थ ईगल के साथ भी कर लेते हैं। रीगल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बेब्लेड है ऑन इट्स ओन। ओ भाई बहुत तेज आवाज आई थी, ओ भाई लाइट कुछ कम सी लग रही है, ऐसा लग रहा है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अगर इफेक्ट पड़े तो पड़े, क्योंकि यार अब नेचुरल लाइट तो आ नहीं पा रही पूरी। भाई ईगल जैसे अच्छे स्टैमिना टाइप बेब्लेड के सामने बहुत देर तक टिक गया, और भाई लॉन्चिंग भी कोई इतनी खास थी नहीं मेरी, बट चलो ईगल से तो जीत भी सकता क्योंकि ईगल से बहुत ही कम बेब्लेड जीत पाते हैं। और फिर से चलाऊंगा भाई मैं, अब लॉन्च अच्छा करूँगा। भाई बहुत तेज हमला कर रहा है, और भाई अब इसके बाद ना बहुत तगड़े बेब्लेड के साथ करने वाले हैं। मतलब ये देखो डिफेंस टाइप बेब्लेड बहुत अच्छा है, रॉक जुराफा सबको मालूम है इसके स्पिन ट्रैक के कारण। और फिर रॉक लियोन से भी करेंगे, दो रॉक बेब्लेड के साथ भी बैटल करेंगे। चलो भाई ईगल से तो नहीं जीत पा रहे ऐसा लग रहा है क्योंकि भाई क्या ही बताऊं मैं। चलो भाई जल्दी से रॉक जुराफा को चला लेते हैं, ठीक है। अबे ये क्या है भाई, ये प्लास्टिक आया है यहाँ से, एक और पीस है ये, पता नहीं क्या है भाई, अलग करो जो भी है। भाई मैं यही लॉन्च की बात कर रहा था, इस अटैक से अच्छा अच्छा डिफेंस टाइप बेब्लेड नहीं बच सकता भाई। मैं ईगल के साथ एक और बार ट्राई करूँगा क्योंकि भाई हारने वाले को कोई पूछता नहीं है, ठीक है, यही बात है, ज़िंदगी का मोटो बना लो, जीत की राह कभी मत छोड़ना। तो भाई कहाँ जा रहा है मेरे भाई,
भाई 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 साहब, पेगासस आ गया जोश में। अब भाई कोई उसे नहीं रोकने वाला, और मैं फोड़ी इसके साथ भी कर ही लेता हूँ। चलो भाई, तो फिर फैंग लियोन का एक कॉम्बो बनाया था मैंने, उसके साथ भी कर लेते, क्योंकि भाई इसका ओरिजिनल कॉम्बो तो कोई काम का नहीं लगता मुझे। ग्रेन्स आ रहे होंगे तो माफ़ करना थोड़े बहुत, भाई कर क्या सकते हैं। चलो फैंग को चलाते हैं। नहीं भाई, बहुत तेज हिटता है। इस हिट से शायद नेमेसिस जैसे बेस भी ना बच पाए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो फिर अब मैं पक्के से बोल सकता हूँ कि भाई हाँ, ये वेवलेट अब ईगल को भी हरा सकता है, क्योंकि लॉन्च अब हो रहा है ये वेवलेट सही से। एक लास्ट ट्राई ईगल के सामने। ओ भाई, फाइनली अर्थ ईगल को भी ख़त्म कर दिया इसने। अब भाई इससे कोई नहीं जीता अभी तक। हार कर जीतने वाले को पेगासस कहते हैं। हाँ भाई, बहुत अजीब जोक का बट स्टिल है। तो साइथ क्रोनोस के साथ भी कर लेते, बहुत अच्छा वेवलेट है। भाई क्रोनोस के साथ तो मुश्किल ही है, पहले पेगासस ही को लॉन्च कर लेते। एक काम करते हैं। भाई चलो, क्रोनोस भी आउट ऑफ द मैच, आउट ऑफ द गेम सॉरी। अब रेस स्ट्राइकर, ठीक है भाई, शांति देख रहे हो भाई। लॉन्च खास नहीं पाया मेरा, बट पेगासस बहुत बहुत पावर में है। मेरे ख्याल से कुछ तो होगा यार, स्ट्राइकर इतना शांत वेवलेट तो नहीं होना चाहिए। भाई देख रहे हो अटैक, ये देखो भाई, बहुत क्लोज जाएगा मैच, और आखिर में स्ट्राइकर जीत गया, क्योंकि भाई ये वेवलेट चल नहीं पाया मेरा। इससे गाइस इतनी अच्छी लॉन्च की ग्रिप नहीं बन रही है, तो बैक टू एल आर हो जाते हैं। ठीक है, भाई पेगासस ने हिट तक नहीं मारी प्रॉपर, प्रॉपर हिट भी नहीं आ रही। चलो फिर से ख़त्म हो गया स्ट्राइकर का खेल, वो भी हार चुका है। अब देन करते हैं भाई पॉइजन सर्पेंट के साथ, कर लेते हैं। चलो कर ही लेते हैं गाइस। अब अगर आप लोग इतने लास्ट तक रहे हो भाई वीडियो में, तो कोई हैवी हिटर भी दिखाना पड़ेगा। जो भी व्यूअर्स अभी तक हैं, उन्हें भी मिलेगा एक सरप्राइज है, बहुत तगड़ा। और कुछ और दो बहुत ताकतवर वेवलेट के साथ करेंगे अटल। और उसके पहले भाई मेरा हाथ कट गया। अरे रे भाई, बहुत तेज दर्द हो रहा है अब। अरे यार ये देखो, यहाँ से कहीं कटा है, दर्द दे रहा है भाई, क्या करूँ मैं। चलो अब देखो भाई, जो भी व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर्स है यहाँ पे, तो टेम्पो का एक मॉडिफिकेशन है मेरे पास, बहुत तगड़ा स्टैमिना डिफेंस अटैक मिक्स कॉम्बो, और ये बहुत अच्छा है। ठीक है चलो भाई, करा के देखते हैं एक बैटल इसके साथ। भाई टेम्पो सेकेंड हैवीएस्ट वेवलेट है, विथ मेटल फेस विथ मेटल टिप। और ये भाई, इसका तो एफडी का वजन भी घटा दो तुम, नहीं है भाई ये कोई इतना ज़्यादा। अब भाई तुम लोग रुके हो, तो भाई नेमेसिस की झलक भी देख लो। बहुत मतलब तुम लोग अभी नोटिस नहीं कर पाओगे कौन सा नेमेसिस है, बट इसका और इसका बैटल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। तो गाइस यही थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करना, चैनल बनाओ सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं ऐसे ऑसम बेवलेट कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।